किसान आंदोलन के चलते फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर फरीदाबाद पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने वहां का जायजा लिया। छब्बीस तारीख को किसान आंदोलन है और इसी को लेकर के हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस इस समय पूरी तरीके से सतर्क मोड पर है, क्योंकि 26 तारीख को बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में जो है किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम इस समय मौजूद है फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर। कुछ रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फरीदाबाद की ओर से जो है रास्ता आ रहा है और सीधा दिल्ली के लिए जा रहा है। हालांकि रास्ते दो हैं। इससे पहले अगर ऊपर के रास्ते की बात करें तो वहाँ हरियाणा पुलिस का बैरिगेटिंग वहाँ पर लगी हुई है, और अगर नीचे की बात करें, अगर नीचे से किसान आते हैं तो उसके लिए नीचे भी दिल्ली पुलिस का बैरिगेटिंग पूरी तरीके से करा हुआ है यहाँ पर। और साफ तौर पर कल के लिए पुलिस तैयार नज़र आ रही है, बैरिगेटिंग किया हुआ है। हमारे साथ जो इंचार्ज हैं फिलहाल यहाँ मौके पर, जो इंचार्ज हैं वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके के अधिकारियों की डायरेक्शन है और किस तरीके से जो है अपर जो है पुलिस किसानों को रोकने का काम करेंगी। नाम वीरेंद्र जी, क्योंकि कल 26 तारीख है और किसान कूच करेंगे दिल्ली के लिए, तो किस तरीके की तैयारी आप लोगों की? हमारी पूरी तरह से तैयारी है और किसानों को यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। यदि आ जाते हैं, पीछे भी हरियाणा पुलिस की बैरिगेट लगी हुई है और हम यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है बड़ी मात्रा में किसान आएंगे, ऊपर का भी रास्ता है और नीचे से भी रास्ता है, तो किस तरीके से दोनों तरफ रोके जाएंगे किसानों को? नहीं, वहाँ मैंने बताया जो वो है वो हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ हरियाणा पुलिस का इंतजाम होगा और यहाँ से हम नहीं जाने देंगे, चाहे कितना भी हमें इंतजाम लगाना पड़े और फोर्स बुलानी पड़े। क्योंकि तो चेकिंग भी जो कि जैसा कि पता चला था कि एडवाइजरी जारी कर दी है, 25 से लेकर के 27 तक की एडवाइजरी है, तो क्या लगता है अभी से तैयारियां आपकी पूरी हैं? तैयारियां पूरी हैं हमारी अभी से ही, सतर्क है पुलिस और चेक कर रहे, वाच रख रहे हैं। हम किसी भी किसान को किसी ट्रॉली वगैरह या ट्रैक्टर से कोई भी जाता है नहीं जाने देंगे। धारा 144 लागू की हुई है, तो उसके मद्देनज़र क्या कुछ तैयारियाँ, कितने लोग जो है एक साथ अगर जो जाते हैं तो किस तरीके से रोका जाएगा? नहीं, हम जैसे प्राइवेट अपनी कोई सर्विस के लिए जा रहा है और है, तो वाच है हमारी, यही तो वाच है अगर भाई अपने, वो तो जाएगा ही अपने काम पे आदमी। यदि ऐसी कोई डायरेक्शन हमें मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो उसके हिसाब से काम कर। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से सतर्क मोड पर है, तो ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरीके से अपनी मुस्तैदी यहाँ दिखा रखी है और बैरिगेडिंग किया हुआ है। साफ तौर पर कल के लिए किसानों को लेकर के पुलिस काफ़ी अलर्ट मोड पर है और ये तैयारियां पूरी हैं कि 26 तारीख को किसानों को दिल्ली कूच किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाए। फरीदाबाद से MH1 के लिए मुकेश राजपूत।